Hi guys, today's topic of discussion is location of adrenergic nerve receptors. This is Miss Medico, Miss Medico channel. If you like this channel, please subscribe my channel. Press the bell icon for further notifications. So, let's start. As we already know, the sympathetic receptors, these are also called adrenergic receptors. They have been classified into alpha and beta, which are further classified into alpha 1 and alpha 2. Beta 1, beta receptors, we have beta 1, beta 2, and beta 3. Now, their location. <laughs> Alpha one is further divided into alpha one a and alpha one b. Alpha one a is located in the prostatic urethra. This is prostatic urethra. There, the alpha one are located in the eye. Alpha one b are located at blood vessels. Now, the alpha two. अल्फा टू आर लोकेट इन द प्री साइनैप अगर ये हमारा नर्व है प्री साइनेप्टिक नर्व ये पोस्ट साइनैप्स है तो प्री साइनेप्टिक नर्व पे एल्फ़ा टू रिसेप्टर्स पाए जाते हैं दे एक्ट लाइक ब्रेक टू सिंपैथेटिक सिस्टम ये जो रिसेप्टार्स है ये बिल्कुल वहाँ पे पाए जाते हैं कि ये एड्रेनालिन और की जो प्रोडक्शन है उस पर ब्रेक लगाते हैं ऐसे ये ब्लॉकर्स होते हैं एल्फ़ा टू ये प्री साइनेप्सिस पे पाए जाते हैं जिनको हम एल्फ़ा टू रिसेप्टर्स बोलते हैं प्री साइनेप्सिस पे इसलिए ये एड्रेनालिन को टारगेट uh, आर्गन या पोस्ट साइनप्स पे जाने नहीं देते हैं सो दे एक्ट एज अ ब्रेक टू सिंपैथेटिक सिस्टम पोस्ट साइनेपिस एल्फ़ा टू ब्लड वेसल्स और ब्रेन में होते हैं एल्फ़ा टू पोस्ट साइनेप्स में हमारे ब्लड वेसल्स पे और हमारे ब्रेन में होते हैं ये था एल्फ़ा रिसेप्टर्स। अब बीटा रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो बीटा वन हार्ट में होता है और जे -जी सेल्स मतलब ग्लोमेरुलर सेल्स में पाया जाता है बीटा वन बीटा टू जो है वो ब्रोंकस में लंग्स में जीआईटी ब्लैडर यूट्रस हो लिवर हो स्केलेटल मसल हो या ब्लड वेसल हो मतलब हर जगह पाया जाता है बीटा टू बीटा वन सिर्फ हार्ट में और जे जी सेल्स में पाया जाता है बीटा थ्री की अगर बात करेंगे तो ये एडिपोस टिश्यू कॉररी वेसल्स और यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है अब हम कुछ निमोनिक स्टडी करेंगे जिससे आपको याद रहेगा एज वी नो वी हैव वन हार्ट एंड दो लंग्स क्योंकि हमारे पास एक हार्ट होता है और लंग्स दो होते हैं सो so, जो बीटा वन होता है वो हार्ट में होते हैं वो रिसेप्टर्स तो रहा याद क्योंकि हमारे पास एक ही हार्ट है तो बीटा वन हार्ट में होता है हमारे पास लंग्स दो होते हैं सो so बीटा टू जो है वो लंग्स में होता है सो so, बीटा वन इज़ इन हार्ट बीटा टू इज़ इन लंग्स अगर हम बात करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम जो है इट्टमलेटस हार्ट एंड इनहिबिट्स एट अदर प्लेसिस इन हार्ट वी हैव बीटा वन रिसेप्टर सो इट फंक्शन इज़ टू स्टमलेट क्योंकि हमें पता है सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट को स्टमलेट करता है और बाकी जगहों पे इनहिबिटरी होता है क्योंकि हार्ट में बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं और वो स्टूमलेटरी होना चाहिए तो ये स्टूमुलेट करता है जैसे टैक्ाडिया डेवलप करता है और अदर प्लेसेस पे हमारे बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं सो वो रिलैक्स करते हैं यानी ब्रोकोडाइलेटेशन टोकोलेटिक एक्शन मतलब यूट्रस की फंक्शन को सप्रेस करना रिलैक्सेशन करना जीआईडी का और ब्लैडर का ये सारा जो काम है वो बीटा टू रिसेप्टर्स के जिम्मे है अगर हम इमरजेंसीज की बात करेंगे वी रिक्वायर सिंपैथी दज द ट्रिमर्स आकर जूरिंग फियर ड्यू टू बीटा टू रेशन क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम ही रेस्पॉन्सबल है ट्रिमर्स के लिए ड्यू टू एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड विद बीटा टू स्टमुलेशन अगर हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स में हमें पता है अल्फ़ा वन रिसेप्टर्स है जिनसे वैज़ो कन्स्ट्रिक्शन होती है और बीटा टू रिसेप्टर्स अगर ब्लड वेसल्स में हो तो वो वैज़ो डायलेशन करते हैं तो इसके लिए निमोनिक है ए सी डी मतलब ए फॉर एल्फ़ा वन तो ये सी के साथ रिलेट होगा ये कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे मतलब एल्फ़ा वन रिसेप्टर्स अगर ब्लड वेसल में हो तो वेज़ो कन्स्ट्रिक्शन होएगी अगर बीटा टू रिसेप्टर्स हो वेसल्स में तो वेज़ो डाइलेटेशन होगी उसके लिए निमोनिक है ए बी सी डी ए इज़ इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू डी मतलब अल्फाटर रिसेप्टर इन ब्लड काज वेजो कंस्ट्रिकशन एंड बीटा टू रेसल कैजो दूसरी बात है इज सिम्पैथिकजुमलेट बोथ अल्फ़ा वन एंड बीटा टू सो वट विल द ब्लड वेसल्स सो ये डिपेंड करता है अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इफ़ ये ब्लड वेसल कंटेन मोर अल्फा वन रिसेप्टर्स ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाएगी इट कॉन्ट्रैक्ट्स वर एज दो ब्लड वैसल्स है दिस इसको रिमेंबर करने के लिए कब वेजो कन्स्ट्रिक्शन होगी ब्लड वेसल्स में और कब वेजो डायलिटेशन होगी जब हम किसी लाइन को देखते वी रिक्वायर सिम्पैथी सो सिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा वी नीड टू रन नाउ

तो टाइम ऑफ एमरजेंसी ब्लड रिक्वायरमेंट इन स्किन एंड इंटरनल इज मिनिमल क्योंकि वहाँ पे कोई काम नहीं करना होगा सो इन वहाँ पे ब्लड वेसल्स में वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी डू टू मोर एल्फ़ा वन रिसेप्ट सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन वही है कि जब जहाँ पे मोर एल्फ़ा वन होंगे वहाँ पे वैज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी जहाँ पे मोर बीटा टू होंगे वहाँ पे वेजो डायलेटेशन होगी जैसे कि आप इस सिचुएशन से रिम्बर कर सकते हैं इसी तरह हमें पता है हाइपोगलेमिया एक एमरजेंसी है सिंपैथेटिक सिस्टम हमें इससे बचाता है हाउ इट काजसटमेशन ऑफ बीटा वन रिसेप्टर्स और वेर आर बीटा वन रिसेप्टर्स इन द हार्ट जब भी आ, आ, कोई भी हाइपोगलेसीमिया होगा तो बीटा वन रिसेप्टर्स की स्टमलेशन से टैके कार्ड या हो जाएंगे इनको हम वार्निंग सिमटम्स बोलते हैं एंड ट्रिमर्स बाई बीटा टू एक्टिवेशन ट्रिमर्स भी डेवलप होंगे टू टू बीटा टू एक्टिवेशन इसी तरह बीटा टू रिसेप्टर्स इन लिवर काजि रिवर्स द हाइपोगीमिया बाई इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज वहाँ पे वो स्टूमलेट करेंगे बीटा टू रिसप्टर्स ग्लूको नियोजनिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस एक तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सिस है प्रोटीन्स है फैट्स है उनकी जेनेसिस करेंगे उनसे ग्लूकोज डेवलप करेंगे बीटा टू रिसेप्टर्स इस तरह से हाइपोगिया को रिवर्स करेंगे ये थे कुछ निमोनिक्स जिनसे आपको इनकी लोकेशन और उनकी फंक्शन रिमेंबर होगी आई होप वीडियो समझ में आया होगा कोई क्वारी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा थैंक यू